वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी स्टाइल। चलिए मैं आज आप सभी को बहुत ही इजी वे पे मेरे स्टाइल में मलई का पराठा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी वे पे। यहाँ पर मैंने मलई लिया है, इसको अच्छे तरह से इसका जो छिलकों को मैंने निकाल लिया है, अब इसके मदद से इसको मलई सबको क्रश कर लेंगे। इस तरह से क्रश कर लेना है, इसको क्रश कर लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं निकाल लूंगी एक बाउल में। इस तरह से इसको मैंने पानी को निकाल लिया है, इसको फेंकना नहीं है। जब आटा गूंथेंगे तो उसमें इसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है मलई को। तो एक पैन लेना है, वहाँ पर डाइट वाले लोगों के लिए ये पराठा बहुत ही मस्त होगा। यहाँ पर 1 टीस्पून में ऑयल डाली, कुकिंग ऑयल, मलई को जो है इसमें डालूंगी, इस क्रश करा हुआ मलई सबको। तो मैं इसमें सब्जी मसाला ऐड करूंगी, 1 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और इसको अच्छे तरह से 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम में, लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेना है। 5 मिनट में इसको पका ली, अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो तरह आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, 1 कप में इसमें आटा ऐड करूंगी। ये घी का आटा है, आप मैदा भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और किसी नाइफ की मदद से या आप स्पून की मदद से भी इस तरह आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मलई का जो ये है इसमें डाल दूंगी, इसको गूंथ लेना है अच्छे तरह से 1 से 2 मिनट तक। ये जो स्टफिंग है इसको आटे में डाल दूंगी, अब इसको अच्छे तरह से गूंथ लूंगी। अब इसको अच्छे तरह से 1 मिनट तक गूंथ लेना है। ये गूंथा हुआ मेरा हो गया, मैं इसका डो ले लेती हूँ इस तरह से। उसको अच्छे तरह से बेल लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि मैं डाइट वाला पराठा बना रही हूँ। तो इसमें मैं इसको अब इसको उलट लेना है। आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैं डाइट वाला मलई का पराठा बना रही हूँ तो मैं कम ऑयल ऐड करती हूँ। इसको मैं एक प्लेट में निकालूंगी, ऐसे करके सारे पराठों को बना लेती हूँ। तो है तो ये बहुत ही डिलीशियस बना है, मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखो, प्यार बांटो और खुश रहो।